हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल टेड लर्नर्स। दोस्तों, 12th क्लास के बाद अपने करियर को लेकर हम सब बहुत कंफ्यूज भी होते हैं और रिसर्च भी करते हैं, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन का सोर्स मिलना बहुत मुश्किल है। आज आपकी ऐसी ही एक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई है। टीचर्स आर द वन हु शेप्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। और अगर आपने टीचिंग को अपना करियर बनाना है तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट सूचना है कि डीएड, बीएड, एमएड के अलावा स्पेशल एजुकेशन में भी आप टीचर बन सकते हैं। और यहाँ यानी स्पेशल एजुकेशन में टीचिंग नॉर्मल टीचिंग से दुगनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो पूरी डिटेल्स के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखें और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्पेशल एजुकेशन टीचर क्या है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये कोर्स करने के लिए, और क्या क्या सरकारी या प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस टीचिंग कोर्स के बाद। स्पेशल एजुकेशन में 3 कोर्सेज हैं। पहला है 2 ईयर डिप्लोमा, जैसे हम नॉर्मल डीएड या जेबीटी कहते हैं, यानी ये पीआरटी के इक्विवेलेंट या बराबर है। दूसरा है बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जो बीएड या टीजीटी टीचर्स के बराबर है। तीसरा है मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन, जो एमएड या पीजीटी टीचर्स के बराबर होता है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा करने वालों को हम स्पेशल एडुकेटर कहते हैं। ये भी 2 साल का डिप्लोमा है, और अगर आपके 12th क्लास में 50% से यानी 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। इसमें एडमिशन जो है वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है, लेकिन सीट अक्सर खाली रहती हैं तो कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाता है। अब मेन क्वेश्चन है कि ये स्पेशल एजुकेशन में हम कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसके अंदर हम स्पेशल नीड्स यानी ऐसे बच्चे जो नॉर्मल बच्चों से थोड़े अलग होते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अंदर 7 डिफरेंट कोर्सेज हैं। सबसे पहला है ASD यानी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी ये कोर्स करने वाले जो स्पेशल एडुकेटर होते हैं वो ऑटिज़म बीमारी से ग्रसित बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरा है मेंटल रिटार्डेशन यानी मंदबुद्धि। तीसरा है हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी HI, यानी ऐसे बच्चों को जो सुन नहीं सकते, चाहे उन्हें साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाते हैं या किसी और तरीके से। चौथा है विजुअल इम्पेयरमेंट यानी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। पांचवा है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी जिन बच्चों को सीखने से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। छठा है डेफ ब्लाइंड यानी ऐसे बच्चे जो देख और सुन नहीं सकते। सेवन्थ और लास्ट है सेरिब्रल पाल्सी यानी ऐसे बच्चे जिनमें किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल डिफॉर्मेशन होती है। सेकेंड कोर्स है बैचलर इन एडुकेशन स्पेशल एडुकेशन। इनको हम स्पेशल एडुकेशन टीचर भी कहते हैं। ये कोर्स भी 2 साल का होता है, और ये कोर्स आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी है मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये बीएड हम 5 कोर्सेज या स्पेशलाइजेशंस में कर सकते हैं। पहला है मेंटल रिटार्डेशन यानी MR, दूसरा है ASD यानी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तीसरा है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी LD, चौथा है विजुअल इम्पेयरमेंट यानी VI, पांचवा है हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी HI। और ये कोर्स जो है स्पेशल एजुकेशन वाला, ये नॉर्मल बीएड के इक्विवेलेंट होता है यानी उसके बराबर होता है। और अगला है एमएड स्पेशल एजुकेशन। ये स्पेशल एजुकेशन की हाईएस्ट डिग्री है, इसीलिए ये करने के बाद आप प्रोफेसर ऑफ स्पेशल एजुकेशन कहे जाएंगे। इसकी ड्यूरेशन भी 2 साल है, और इस कोर्स को करने के लिए आपकी बीएड स्पेशल एजुकेशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री हो, आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड स्पेशल एजुकेशन और फिर उसके बाद डायरेक्ट एमएड स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं। एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है, और ये एमएड स्पेशल एजुकेशन की सिर्फ 4 कैटेगरीज हैं, ASD यानी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, MR मेंटल रिटार्डेशन,
HI हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड LD यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, जबकि डिप्लोमा में 7 कैटेगरीज थी और BEd में 5 थी। आपको प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन बनना है तो आप BEd स्पेशल एजुकेशन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या मेंटल रिटार्डेशन या हियरिंग इम्पेयरमेंट या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी इन्हीं में से किसी एक कैटेगरी में करें, ताकि MEd जब आप करें तो उसमें आपको आसानी रहे। और क्योंकि MEd से आगे कोई हाईएस्ट डिग्री नहीं है, तो आपको DEd और BEd स्पेशल एजुकेशन वाले जो कॉलेजेस हैं उनमें एज प्रोफेसर जॉब मिल जाती है जब आप MEd इन स्पेशल एजुकेशन कर लेते हैं। अब आती है मेन बात कि ये सब कोर्सेज करने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। तो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक इंक्लूसिव एजुकेशन ही नहीं, एक इंक्लूसिव सोसाइटी का भी सपना दिखाया है, जिसका मतलब है कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, यानी जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं या ब्लाइंड हैं या किसी भी तरह के तरीके से जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उन सबको मेन स्ट्रीम में लेकर आना। और ऐसे ही डिसीजंस के साथ इस स्पेशल एजुकेशन जॉब में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। अब कोई भी प्राइवेट स्कूल जो नॉर्मल बच्चों के लिए है, वो ऐसी स्पेशल नीड वाले बच्चों को एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकता। और इसी के साथ ये रूल निकाला गया है कि हर प्राइवेट स्कूल में जो नॉर्मल बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल है, उसमें 2 स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स का होना कंपलसरी है। प्राइवेट स्कूल्स के अलावा बहुत सारी NGOs हैं जो ऐसे बच्चों के लिए काम करती हैं, उनमें भी ऐसे स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की डिमांड रहती है। दूसरा है स्पेशल स्कूल, यानी इन बच्चों के लिए जो अलग से स्पेशल स्कूल्स बनाए गए हैं, रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल्स हैं, थेरेपी सेंटर्स हैं, इन सब में भी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए जॉब निकलती रहती हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अलग से KVS, DSSSB, SSA, MCD और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल भी स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए काफ़ी जॉब निकालते हैं। अब आते हैं डबल बेनिफिट वाली बात पर, यानी जो बच्चे स्पेशल एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं, वो स्पेशल एजुकेशन की जॉब्स में तो अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल DEd, BEd या MEd करने वाले लोगों के लिए जॉब्स निकलती हैं, उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी यह है डबल बेनिफिट, यानी स्पेशल एजुकेशन वालों की अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके लिए हैं ही, साथ ही साथ जो नॉर्मल वाले BEd, DEd और MEd वाले लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए हैं। फिर आता है सैलरी। सैलरी भी नॉर्मल स्कूल टीचर्स के बराबर मिलती है, यानी DEd या 12th क्लास के बाद वाला अगर आपने डिप्लोमा किया है, तो आपकी बेसिक होगी 35,400। तो DA, TA, HRA और DA on TA ये सब मिलाकर लगभग 51,000 रुपये इन हैंड सैलरी आपको मिलती है। अगर आपने BEd स्पेशल एजुकेशन में किया है, तो 44,900 आपकी बेसिक रहेगी, बेसिक पे, और इन हैंड अप्रोक्स आपको मिलेगी 63,000। वहीं अगर आपने MEd स्पेशल एजुकेशन किया है, या मतलब प्रोफेसर ऑफ स्पेशल एजुकेशन हैं आप, तो आपकी बेसिक पे रहेगी 47,600 और इन हैंड आपको 67,000 के लगभग सैलरी मिलती है। अगर आपको स्पेशल एजुकेशन से संबंधित कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट में अपनी क्वेरीज़ लिख सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऑलरेडी स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए, आपको टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, एडुकेट करने के लिए आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली हैं। साथ ही साथ CTET 2020, चाहे वो नॉर्मल BEd वाले स्टूडेंट्स हों या PRT टीचर्स के लिए, उसके लिए भी हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।